गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर आने के बाद अब गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इस छोटे से ट्रेलर में हमें ब्लू गॉडजिला की जगह पिंक गॉडजिला देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। अब गॉडजिला पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके सिर्फ चलने भर से ही अर्थ में अर्थ को इकसाना शुरू हो जाते थे। लेकिन क्या इस किंग ऑफ मॉन्स्टर को अपने माइटीएस्ट सुपर हीरोज एवेंजर्स रोक सकते हैं? और मैं यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल सिक्स एवेंजर्स की बात कर रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अब गॉडजिला वो मॉन्स्टर है किंग गूडरा जैसे मॉन्स्टर्स को हराया है, और इसने किंग कॉन्ग को तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये इतना पावरफुल है, इसलिए इसे ऐसी थोड़ी किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहा जाता है। और आने वाली मूवीज में शायद टाइटन सीमो को भी हरा दे, जिसे मॉन्स्टर्स का गॉडफादर कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो अपना गॉडजिला सबसे पावरफुल मॉन्स्टर कहलाएगा। अब गॉडजिला की हम थोड़ी पावर्स जान लें, तो गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके ऊपर मैनमेड मिसाइल्स का भी असर नहीं होता, और ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन का। और इसके पास है एटॉमिक ब्रीथ, जो कि एक बार चार्ज अप हो जाए तो वो अर्थ के बीच में होल्ड कर सकती है, जैसे कि हमें मूवी में देखने को मिला था। गॉडजिला ने इस एटॉमिक ब्रीथ से होलो अर्थ तक छेद कर दिया था। अब ये मॉन्स्टर है तो ऐसा नहीं है इंटेलिजेंट नहीं है, ये काफी इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है, जो कि अपने डिसीजंस सोच के लेता है। और अगर गॉडजिला एक बार अपने वर्निंग गॉडजिला में बदल गया तो फिर इसके पास जाना तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब गॉडजिला वर्निंग गॉडजिला में बदला था तो उसने किंग गूडरा को पूरा ही मार दिया था। और अब तो गॉडजिला और भी ज्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट, और इसकी एटॉमिक ब्रीथ और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो जिन एवेंजर्स से हम इनकी फाइट कराने वाले हैं वो है हॉकाई, ब्लैक विडो, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और थॉर। तो इन एवेंजर्स की टीम में हॉकाई, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका, ये तीनों चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना, चाहे इनकी फाइटिंग स्टाइल जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ये गॉडजिला के सामने नहीं टिकने वाले, ना ही इनका कोई वेपन गॉडजिला को हार्म कर पाएगा। और गॉडजिला सिर्फ अपने एक सिंगल लेग से इनको कुचल के रख देगा, ये गॉडजिला का कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब बचते हैं तीन एवेंजर्स, जिसमें से आयरन मैन की वेपन्स का असर तो होने ही नहीं वाला। मैंने आपको पहले ही बताया था गॉडजिला के ऊपर मैनमेड मिसाइल्स वेपन्स का असर नहीं होता, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब तक फोड़ा था जिससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो चार्ज अप हो गया था। तो यहाँ पर आयरन मैन के सूट अटैक्स तो कुछ भी नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है, आयरन मैन के सूट में स्लीपिंग गैसेस होती है, और गॉडजिला है तो एक ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर स्लीपिंग गैस का असर तो होगा ही। अगर आयरन मैन ने गॉडजिला को वो स्लीपिंग गैसेस सुंघा दी तो वो वहीं पे बेहोश हो जाएगा, लेकिन गॉडजिला फिर से उठेगा और तबाही मचाने लगेगा। और एक सिंगल एटॉमिक ब्रीथ आयरन मैन के लिए काफी है, या फिर गॉडजिला का एक सिंगल हैंड का हिट काफी है आयरन मैन के लिए। अब बात करते हैं हल्क की। तो देखो, हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ कई बार दिखाई है। एक बार उसने अपने सिर्फ एक सिंगल पंच में 3 मिलियन टन के लेवियान था को टुकड़ों में बदल दिया था, और वहीं पे सर्टर जैसे बींग को अपने एक पंच से एक कदम पीछे कर दिया था। तो देखो, गॉडजिला का वेट लेवियांता से करोड़ों गुना ज्यादा है, लेकिन उसकी हाइट सर्टर से एक बॉल के बराबर है। जहाँ पर सर्टर एक बैट है तो वहीं पे गॉडजिला एक बॉल है, और सर्टर का वेट गॉडजिला से कई गुना ज्यादा होगा। तो अगर हल्क फुल पोटेंशियल में गॉडजिला को पंच करता है तो 100% चांसेस है कि गॉडजिला जमीन में गिर जाएगा। और अगर गॉडजिला एक बार जमीन में गिर गया तो फिर हल्क के लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉडजिला फास्ट हो चुका है, वो जल्दी से खड़ा होकर दोबारा फाइट में आ सकता है। और ऐसा लगता है कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ हल्क को ज्यादा डैमेज कर सकती है, और अगर डैमेज कर भी देगी तो हल्क के पास रिजनरेशन की पावर है, वो जल्दी से हील भी हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों की फाइट हुई तो यहाँ पर हल्क के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। उसकी स्ट्रेंथ उसके गुस्से के ऊपर डिपेंड होती है, और गॉडजिला हल्क के लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए, और हल्क के पास स्पीड का भी एडवांटेज है। अब लास्ट फाइट है थॉर और गॉडजिला के बीच। तो देखो यार, एक एसगार्ड का किंग है तो एक मॉन्स्टर वर्स का किंग है, दोनों ही किंग्स के बीच फाइट होने वाली है, तो ये फाइट छोटी मोटी तो होने नहीं वाली, इसमें सिटी डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो चलिए अब इनकी फाइट देखते हैं। तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ थॉर के ऊपर बिल्कुल असर नहीं करने वाले, थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सहा है, और दूसरी तरफ थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी गॉडजिला पे असर नहीं करने वाली। गॉडजिला एक न्यूक्लियर लेवल मिसाइल को झेल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर पिंक गॉडजिला को लें और थॉर स्टॉर्म ब्रीकर के साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि गॉडजिला थॉर के सामने टिक सकता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रीकर इतना पावरफुल और शार्प है जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी ओवर पावर कर दिया था। वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को काटते हुए गॉडजिला को भी काट सकता है। और एट द एंड अगर ये सारे एवेंजर्स एक साथ आ गए तो फिर गॉडजिला के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे गॉडजिला कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इन 6 सुपरहीरोज के सामने गॉडजिला नहीं टिक सकता। तो खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो, कमेंट बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में।